मैं गोभी की पराठा बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फूलगोभी अच्छे से इसको धो करके साफ़ करके ले ली हूँ, तो इसको पहले ही धो करके ले लेना है, हल्का गर्म पानी में गुनगुना पानी में डाल देना है गोभी को। इसको तोड़ करके हम ले लेंगे, गोभी मैं तोड़ करके ले ली हूँ। अब हम कद्दूकस ले लेंगे और मोटे वाले तरफ से हम कद्दूकस कर लेंगे, थोड़ा मोटा ही हम कद्दूकस करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। तो देखिए ऐसे हमें कद्दूकस करके ले लेना है। डंठल हमें नहीं देना है इसमें, डंठल हटा देना है। सारी गोभी में कद्दूकस करके ले ली हूँ। अब इसमें हरा धनिया भर के डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार ले लेना है, तो आधी चम्मच में नमक डाल दूंगी, आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाल दूंगी, आधी चम्मच अजवाइन ले लेना है, तो अजवाइन इसमें डाल देना है, और एक चम्मच चाट मसाला ले ली हूँ मैं। अब इन सब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी गोभी में। जब पराठा बनाना हो जब ही मिक्स करना है, नहीं तो इसमें बहुत सारी पानी गोभी से आ जाएगी, तो इसलिए हमें पराठा जब बनाना हो जब ही इसमें हम सारी चीज़ मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, आटा लगा ली मैं, पहले ही आटा लगा करके रख लेना है, उसके बाद गोभी कद्दूकस करके और सारी मसाला मिक्स करके लेना है। आप छोटे बड़े जैसे आप लोगों को पराठा बनाना हो उस हिसाब से ले लेना है आटा किलोई। अब इसमें से एक लोई हम ले लेंगे, इसके ऊपर सूखी आटा डाल देना है, अच्छे से हम बॉल जैसे कटोरी जैसे बना लेंगे। देखिए कटोरी जैसे मैं बना ली हूँ। अब ये गोभी जो मिलाए थे हम इसमें अच्छे से भर देंगे, ज़्यादा भर के बनाने में बहुत ही अच्छा पराठा गोभी की क्रिस्पी बन के तैयार होती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो आप लोग एक बार मेरे तरीका से ज़रूर बनाइएगा। अब चारों तरफ से हम बंद कर देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर सूखी आटा डाल के दोनों तरफ से अच्छे से लगा करके बेल लेना है। तो देखिए मैं पराठा बना ली हूँ, तो ये बिल्कुल भी बेलन में चिपकती नहीं है पराठा और ना टूटेगी, ये आराम से देखिए बन के तैयार हो गई। तो ऐसे ही पराठा बेल के तैयार कर लेना है। तवा गर्म होने के लिए मैं रख दी थी, तो तवा गर्म हो चुकी है। अब इस पे हम पराठा डाल देंगे, अब थोड़ी देर पराठा को हम सिकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे, तुरंत नहीं पलटना है इसको। देखिए पराठा थोड़ी सी सिक चुकी है, तो अब हम इसको पलट देंगे दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा सिकने देंगे पराठा। इसी पराठा सिक चुकी है, अब इसमें हम एक चम्मच तेल डाल के फैला देंगे पराठा के ऊपर, चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। अब हम पलट देंगे दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ भी हम एक चम्मच डाल के तेल फैला देंगे पराठा के ऊपर। दोनों तरफ से हम पलट पलट कर पराठा को अच्छे से सेक लेंगे। देखिए गोभी की पराठा बन के तैयार हो गई। ऐसे ही बारी बारी से सारी पराठा बना करके तैयार कर लेना है, अच्छे से सेक लेना है।
जब तक मैं एक पराठा बनाई तो दूसरी भी मैं बेल ली हूँ। अब इस पे हम दूसरी पराठा भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये भी पराठा थोड़ी सी सिक चुकी है, फिर पलट देंगे हम दूसरी तरफ। फिर ऐसे ही हमें एक चम्मच इस पे तेल डाल के फैला देना है अच्छे से। दोनों तरफ से हम तेल लगा करके और पलट के दोनों तरफ से अल्टी पलटी करके हम सेक लेंगे पराठा को। बहुत ही क्रिस्पी गोभी की पराठा बन के तैयार होती है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये भी पराठा बनके तैयार हो गई।